मुले मुटिया केम छो वणकम हिज एक्सलेंसी प्रेसिडेंट मुसेवेनी उनकी धर्मपत्नी जेनेट मुसेवेनी जी और भारी संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा आप सबसे आत्मीयता का रिश्ता है, अपनेपन का रिश्ता है। मैं आप ही के परिवार का एक हिस्सा हूं। इस विशाल परिवार का एक सदस्य हूं और इस नाते मेरा आपसे मिलकर के मेरी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। हमारे इस मेल मिलाप को और गरिमा देने के लिए आज स्वयं माननीय राष्ट्रपति जी यहां उपस्थित है। उनकी यहां उपस्थिति 125 करोड़ हिंदुस्तानियों और युगांडा में रहने वाले हजारों भारतीयों के प्रति उनके अपार स्नेह का प्रतीक है और इसलिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यहां मैं आप सभी के बीच आया हूं तो कल युगांडा की पार्लियामेंट को संबोधित करने का अवसर मुझे मिलने वाला है। और 2 दिन पहले दिल्ली के पार्लियामेंट में विस्तार से आपने भाषण सुना था, आप लोगों ने भी सुना था, पूरा युगांडा सुन रहा था। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री को युगांडा की पार्लियामेंट को संबोधित करने का अवसर मिलेगा। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति जी का और युगांडा की जनता का 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथियों, युगांडा में आना और आप सभी स्वजनों से मिलना और बातचीत करना किसी भी हिंदुस्तानी के लिए यह आनंद का विषय रहा है, खुशी का विषय रहा है। आपका उत्साह, आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका भाव मुझे भी निरंतर इसी प्रकार से मिलता रहे,
यही मैं आपसे कामना करता हूं। यहां युगांडा में आप सभी के बीच आने का ये मेरा दूसरा अवसर है। इससे पहले 11 वर्ष पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर यहां आया था और आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में आया हूं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब भी आप में से अनेक लोग जिनसे मुझे रूबरू होने का अवसर मिला, जी भर करके बातें करने का अवसर मिला था। यहां भी कई ऐसे परिचित चेहरे मैं सामने देख रहा हूं और मुझे खुशी हुई राष्ट्रपति जी भी आप एक एक की पहचान कर रहे थे। आप लोगों से इनका कितना निकट रिश्ता है और आज दिन भर हम साथ में थे, कई परिवारों का नाम से वो जिक्र करते थे, बताते थे कितने सालों से जानते हैं, कैसे जानते हैं, सारी बातें बता रहे थे। ये इज्जत आप लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने आचरण से, अपने चरित्र से कमाई हुई मेहनत है। ये पूंजी छोटी नहीं है जो आपने पाई है और इसके लिए युगांडा की धरती पर हिंदुस्तान से आए हुई तीन तीन चार चार पीढ़ियों ने इस मिट्टी के साथ अपना नाता जोड़ा है, उसे प्यार किया है। साथियों, युगांडा से भारत का रिश्ता आज का नहीं है, ये रिश्ता शताब्दियों का है। हमारे बीच श्रम का रिश्ता है, शोषण के खिलाफ संघर्ष का रिश्ता है। युगांडा विकास के जिस मुकाम पर आज खड़ा है उसकी बुनियाद मजबूत कर रहे युगांडा वासियों के खून पसीने में भारतीयों के खून पसीने की भी महक है। आप में से अनेक परिवार यहां तीन तीन चार चार पीढ़ियां से रह रहे हैं। मैं यहां मौजूद नौजवानों, युगांडा के नौजवानों को याद दिलाना चाहता हूं, आज जिस ट्रेन में आप सफर करते हैं वो भारत और युगांडा के रिश्तों को भी गति दे रही है। वो कालखंड था जब युगांडा और भारत दोनों को एक ही ताकत ने गुलामी की जंजीरों से जकड़ा था। तब हमारे पूर्वजों को भारत से यहां लाया गया था, बंदूक और कोड़े के दम पर उन्हें रेलवे लाइन बिछाने के लिए मजबूर किया गया था। उन मुश्किल परिस्थितियों में उन महान आत्माओं ने युगांडा के भाइयों बहनों के साथ मिलकर संघर्ष किया। युगांडा आजाद हुआ लेकिन हमारे बहुत से पूर्वजों ने यहीं पर बसने का फैसला कर लिया। जैसे दूध में चीनी घुल जाती है वैसे भी यहीं हमारे लोग एक हो गए, एक रस हो गए। आज आप सभी युगांडा के विकास, यहां के बिजनेस, कला, खेल, समाज के सभी क्षेत्रों में
अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, अपना जीवन खपा रहे हैं। यहां के जिंजा में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन हुआ था। यहां की राजनीति में भी अनेक भारतीयों ने अपना सक्रिय योगदान दिया है और आज भी दे रहे हैं। स्वर्गीय नरेंद्र भाई पटेल स्वतंत्र युगांडा की संसद में पहले नॉन यूरोपियन स्पीकर थे और उनका चुनाव सर्वसम्मति से हुआ था। हालांकि फिर एक समय ऐसा भी आया कि जब सबको परेशानियां भी झेलनी पड़ी, कई लोगों को देश छोड़कर के भी जाना पड़ा, लेकिन युगांडा की सरकार और युगांडा के लोगों ने उन्हें अपने दिलों से नहीं जाने दिया। मैं विशेष रूप से राष्ट्रपति जी का और युगांडा के जन जन का आज उनके साथ इस साथ के लिए भारतीय समुदाय को जिस प्रकार से फिर से गले लगाया है, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप में से अनेक लोग ऐसे भी हैं जिनका जन्म यहीं पर हुआ है। शायद कुछ लोगों को तो कभी भारत देखने का मौका भी मिला नहीं होगा। कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनको वहां अपनी जड़ों के बारे में, कहां किस राज्य से आए थे, किस गांव या शहर से आए थे, इसकी भी शायद जानकारी नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपने भारत को अपने दिलों में जिंदा रखा है। दिल की एक धड़कन युगांडा के लिए है तो एक भारत के लिए भी है। विश्व के सामने आप लोग ही सही मायने में भारत के राजदूत हैं, भारत के राष्ट्रदूत हैं। थोड़ी देर पहले जब राष्ट्रपति जी के साथ मैं स्टेज पर आ रहा था तो मैं देख रहा था कि मेरे आने से पहले यहां किस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। ये सच में मंत्रमुग्ध करने वाली भारतीयता को अपने जिस प्रकार बनाए रखा है वो अपने आप में प्रशंसनीय है। अपने पहले के अनुभव और आज जब यहां आया हूं तब इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय भाषाओं को, खान पान को, कला और संस्कृति को, अनेकता में एकता, पारिवारिक मूल्यों और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जिस प्रकार से आप जी रहे हैं वैसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। और इसीलिए तो हर हिंदुस्तानी को आप पर गर्व है, 125 करोड़ देशवासियों को आप पर गर्व है। मैं भी आपका अभिनंदन करता हूं, मैं आपको नमन करता हूं। साथियों, युगांडा समेत अफ्रीका के तमाम देश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक कारण तो आप जैसे भारतीयों की यहां बहुत बड़ी संख्या में मौजूदगी है और दूसरा, हम सभी ने गुलामी के खिलाफ साझी लड़ाई लड़ी है। तीसरा, हम सभी के सामने विकास की एक समान चुनौतियां हैं। एक दूसरे से सुख दुख को बांटने का हमारा बहुत लंबा इतिहास रहा है। हम सभी ने एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखा है।
यथाशक्ति एक दूसरे को सहारा भी दिया है, सहायता भी दी है। आज भी हम उसी भावना से मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम युगांडा के साथ मजबूत रक्षा संबंध चाहते हैं। युगांडा की सेनाओं की आवश्यकता के अनुसार भारत में उनकी ट्रेनिंग के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। युगांडा से हजार से अधिक छात्र इन दिनों भारत में अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, आप में से अधिकतर जब भारत से युगांडा आए थे, तब के भारत और आज के भारत में बहुत बदलाव आ चुका है। आज जिस प्रकार युगांडा अफ्रीका की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसी प्रकार भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के विकास को गति दे रही है। मेक इन इंडिया आज भारत की पहचान बन गया है। भारत में बनी कार और स्मार्टफोन ऐसी अनेक चीजें आज उन देशों को बेच रहे हैं जहां से कभी हम ये सामान भारत में आयात करते थे। संभव है कि बहुत जल्द यहां युगांडा में जब स्मार्टफोन खरीदने के लिए आप जाएंगे तो आपको मेड इन इंडिया का लेबल नजर आए। अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की नींव भारत में रखी गई है। भारत तेजी के साथ दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है। साथियों, डिजिटल टेक्नोलॉजी को भारत ने लोगों के सशक्तिकरण का, एम्पावरमेंट का एक माध्यम बनाया है। सरकार से जुड़े तमाम कार्य एक मोबाइल फोन पर उपलब्ध है। बच्चे के जन्म से लेकर के मृत्यु के पंजीकरण तक की अधिकतम व्यवस्थाएं डिजिटल हो चुकी हैं, ऑनलाइन हो चुकी हैं। देश की हर बड़ी पंचायत को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से कनेक्ट करने पर आज तेजी से काम चल रहा है। आज सुई से लेकर के रेल की पटरियां, मेट्रो ट्रेन के कोच और उपग्रह तक भारत में ही बने स्टील से भारत में ही बन रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि स्टार्टअप का हब बनने की तरफ भी भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में मैं जहां भी जाता हूं तो आप जैसे स्वजनों को जरूर याद दिलाता हूं कि पहले दुनिया में देश की किस तरह की छवि बना दी गई थी। हजारों वर्ष का गौरवमय इतिहास समेटे हुए देश को सांप सपेरों का देश, ऐसे ही हिंदुस्तान को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाता था। भारत यानी सांप सपेरे, जादू टोना, यही थी ना पहचान। हमारे युवाओं ने
इस छवि, इस धारणा को बदला और भारत को माउस यानी आईटी सॉफ्टवेयर की धरती बना दिया है। आज यही हुआ, भारत देश और दुनिया के लिए हजारों स्टार्टअप की शुरुआत कर रहे हैं। आपको यह जानकर गर्व होगा कि सिर्फ दो वर्षों के भीतर ही देश में लगभग 11,000 स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। देश और दुनिया की आवश्यकताओं के हिसाब से हमारा नौजवान इनोवेशन कर रहा है, मुश्किलों का समाधान ढूंढ रहा है। साथियों, आज भारत के 6 लाख से अधिक गांव में बिजली पहुंच चुकी है। आज भारत में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां बिजली न पहुंची हो। भारत में बिजली मिलना कितना आसान हो गया है, इसका अंदाजा आप वर्ल्ड बैंक के रैंकिंग से लगा सकते हैं। ईज ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी की रैंकिंग में भारत ने बीते 4 वर्ष में 82 पायदान पे छलांग लगाई है। आज हम विश्व में 29वें नंबर पे पहुंचे हैं। सिर्फ बिजली उपलब्ध नहीं हुई है, लेकिन एक अभियान चलाकर लोगों के बिजली बिल का खर्च कम करने का भी प्रयास किया जा रहा है। पिछले 4 वर्ष में देश में 100 करोड़ एलईडी बल्ब इसकी बिक्री हुई है, 100 करोड़ से अधिक। साथियों, इस प्रकार के अनेक परिवर्तन भारत में हो रहे हैं, क्योंकि वहां व्यवस्था और समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। भारत आज न्यू इंडिया के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही मैं यहां आने के लिए बड़ा उत्सुक था। 3 वर्ष पहले राष्ट्रपति जी जब इंडिया अफ्रीका समिट के लिए भारत आए थे, तब उन्होंने बड़ा आग्रहपूर्वक न्योता भी दिया था, लेकिन किसी न किसी कारणवश कार्यक्रम नहीं बन पाया। मुझे प्रसन्नता है कि आज आप सबके दर्शन करने का मुझे मौका मिल गया। बीते 4 वर्षों में अफ्रीका के साथ हमारे ऐतिहासिक रिश्तों को हमने विशेष महत्व दिया है। भारत की विदेश नीति में आज अफ्रीका की अहम भूमिका है। 2015 में, 2015 में जब हमने इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का आयोजन किया, तो पहली बार अफ्रीका के सभी देशों को निमंत्रण दिया। इसके पूर्व कुछ चुनिंदा देशों के साथ ही मुलाकात होती थी। खुशी की बात यह थी कि न सिर्फ सभी देशों ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन 41 देशों के शीर्ष नेतृत्व ने सम्मेलन में हिस्सा लिया, वो सब दिल्ली आए। हमने हाथ आगे बढ़ाया तो अफ्रीका ने भी आगे बढ़ करके हिंदुस्तान को गले लगाया, हमारा हाथ थाम लिया। पिछले 4 वर्षों में अफ्रीका का एक भी देश ऐसा नहीं है जहां भारत से कम मंत्री स्तर की यात्रा न हुई हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री स्तर की 20 से अधिक यात्राएं हुई है। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के अतिरिक्त अफ्रीका से 32 राष्ट्र प्रमुखों ने भारत में आकर के भारत के नेताओं से मुलाकात की है। हमने 18 देशों में अपने दूतावास खोलने का निर्णय किया है।
इससे अफ्रीका में हमारे दूतावासों की संख्या बढ़कर 47 हो जाएगी। अफ्रीका के सामाजिक विकास और संघर्ष में हमारा सहयोग रहा ही है, यहां की अर्थव्यवस्था के विकास में भी हम सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। यही कारण है कि पिछले वर्ष अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की वार्षिक बैठक भी भारत में आयोजित की गई थी। अफ्रीका के लिए $3 बिलियन से अधिक के लाइन्स ऑफ क्रेडिट के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के अंतर्गत हमारा $10 बिलियन का कमिटमेंट भी है। इसके अतिरिक्त $600 मिलियन की अनुदान सहायता और 50,000 छात्रों के लिए भारत में अध्ययन, इसके लिए स्कॉलरशिप के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। अफ्रीका के 33 देशों के लिए भारत में ई वीजा का प्रावधान किया गया है और अफ्रीका के प्रति हमारे मजबूत कमिटमेंट के परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। पिछले वर्ष अफ्रीका के देशों के साथ भारत के ट्रेड में 32% वृद्धि हुई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बनने के लिए मैंने अफ्रीका के सभी देशों को आग्रह किया था और मेरे आह्वान के बाद आज सदस्य देशों में लगभग आधे देश अफ्रीका के हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अफ्रीका के देशों से एक स्वर में भारत का समर्थन किया है। मैं समझता हूं कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में एशिया और अफ्रीका के देशों की उपस्थिति दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। इस दिशा में हम जैसे देशों का पारस्परिक सहयोग करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मकता, सकारात्मक बदलाव ला करके रहेगा। जिस उत्साह और उमंग के साथ आप सब समय निकाल कर आज यहां आए हैं, मुझे आपने स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिए हैं, सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रपति जी का और युगांडा की सरकार और जनमानस का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आपको मालूम है 2019 जो आपके दिमाग में है वो मेरे दिमाग में नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं 2019 का? क्या सोच रहे हैं? अरे 2019 में जनवरी महीने में प्रवासी भारतीय दिवस ’22-23 जनवरी को होने वाला है और इस बार प्रवासी भारतीय दिवस का स्थान है काशी, बनारस, और जहां की जनता ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है, एमपी बनाया और देश ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, उस काशी के लिए मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। और ये भी खुशी की बात है कि प्रवासी भारतीय दिवस के पहले गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है, वो भी है 18-19-20 आसपास, 22-23 काशी में,
और उसके बाद चौदह जनवरी से कुंभ का मेला शुरू हो रहा है तो 22-23 प्रवासी भारतीय दिवस कहके बनारस से कुंभ के मेले में हो आइए, प्रयागराज में डुबकी लगाइए और फिर 26 जनवरी आप दिल्ली आइए। एक हफ्ते का पूरा पैकेज आपके लिए हिंदुस्तान में एक के बाद एक इतने अवसर है। मैं आज रूबरू में युगांडा के मेरे भाइयों बहनों को निमंत्रण देने आया हूं और आप ही आइए। आपने जो प्यार दिया, स्नेह दिया, आपकी प्रगति के लिए भारत की शुभकामनाएं आपके साथ है और आपका यहां का जीवन भारत के गौरव में बढ़ाने में योगदान कर रहा है, इसके लिए भी हम गौरव अनुभव करते हैं। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुए वाले, बहुत बहुत धन्यवाद।